सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेट लिस्ट। तो आज एक और स्पेशल प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम। एंड आज हमारे पास है कैसिन कस्टम का कस्टम रेडिएटर गार्ड, जिस पे लिखा हुआ है हमारे चैनल द बकेट लिस्ट एबी का लोगो। सो कैसिन कस्टम से एक ऐसा कंपनी है जो मॉड्स प्रोवाइड करता है आपको आपकी बाइक्स के लिए। सो KTM है, बजाज है, यामा है। सो उसमें आपको कस्टम रेडिएटर गार्ड्स काफ़ी सारे दिख जाएंगे। सो आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग इंस्टाग्राम, तब मेरे को दिखा वैसे। सो दे वी हैड अ कन्वर्जेशन सेइंग दैट कि हाँ, एक प्रोडक्ट रिव्यू करना चाहिए उनका भी, बिकॉज मैंने रेडिएटर गार्ड काफ़ी सारे देखे, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। उसका एडवांटेज वगैरह की बात हम वीडियो के आगे करेंगे जब मैं DIY करूँगा उसके ऊपर। बट ओवरऑल एक कस्टम रेडिएटर गार्ड इज समथिंग विच आई थिंक पर्सनली कि सबको कराना चाहिए। नॉट जस्ट ओनली अपना नाम लिखवा लिया, ये लिखा लिया, वो लिखा। लेट्स से कि पल्सर है तो पल्सर लिखा है, एनएस है तो एनएस 160 लिखा है, 200 लिखा है, ड्यूक है तो ड्यूक लिखा है, KTM लिखा है। सो थोड़ा सा आपको आपका पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट देते हैं। सो वो एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी। सो मेरे पास अभी है ये कैसिन कस्टम का कस्टम रेडिएटर गार्ड। तो मैंने कस्टम इसलिए बनवाया बिकॉज जैसा मैं बताया, पर्सनलाइज थोड़ा सा आपको आपकी बाइक जो है थोड़ा सा क्राउड से लुक अपार्ट दिखे उस चक्कर में। सो इसको अनबॉक्स करते हैं, इसका ओवरऑल एक रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसा है, आप बाइक में लगा सकते हैं, उसके बाद आपको क्या एडवांटेज है, व्हाई यू शुड पुट अ रेडिएटर गार्ड ऑन योर बाइक, बिकॉज लाइक वो मैं आपको DIY के टाइम पे बताऊंगा। काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए लेट्स अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट। सो मैंने थोड़ा सा स्नीक पीक किया था, सॉरी फॉर दैट गाइज, बट कस्टम रेडिएटर गार्ड का थोड़ा सा ईगरनेस होता है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड सॉरी फॉर दिस। थोड़ा बजट कम है यार, नहीं तो स्विस लाइफ लेके आ जाता आप लोगों के लिए। बट ओवरऑल आप अंदर आपको एक पूरा थर्मोकोल के पैकिंग में आ जाएगा एंड इंडिया पोस्ट से मेरे को डिलीवर किया है कोयम्बतूर से। सो पैकिंग इज प्रीटी गुड, डैमेज वैमेज के चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं मेरे को। बट लेट्स जस्ट चेक थोड़ा अपन एकदम कैची यूज़ करके सबमिट कर लेते हैं। सो फुल थर्माकोल के पैकिंग के अंदर आया है ये एंड थोड़ा सा थर्माकोल के साथ जो इशू होता है वो हो गया है। सो हियर वी हैव आवर वन एंड ओनली कस्टम रेडिएटर गार्ड फ्रॉम कैसिन कस्टम्स। And believe me guys, this looks super sexy in my opinion. TBL with AB, 3D logo है ये, 2D नहीं है। So आप अगर देख सकेंगे यहाँ पर unboxing के video में तो आपको थोड़ा समझ आएगा, but this is looking super sexy. Weight की बात करो तो for a radiator guard, this is काफ़ी अच्छा heavy है, like आपको वो durability वाला feel देता है ये। And उसके साथ साथ we are getting 2 स्टिकर्स फ्रॉम कैसिन कस्टम्स ऑल्सो। तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छे हैं, आप अगर आपको लगाने हैं तो आप अपनी बाइक पे लगा सकते हैं। मैं तो एक स्टिकर लगाऊंगा अपनी बाइक पे बिल्कुल। सो ये जो फिटिंग है ये आपकी बाइक के हिसाब से पूरा फिट होने के लिए पहले से प्रोविजंस के साथ आता है। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये हमको हेल्प करेंगे अपनी बाइक में ईजिली इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बताऊंगा। तो अभी अनबॉक्स कर चुके हैं, चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ एंड कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गेट गो गाइस, फाइनली द पार्ट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ माय ब्यूटीफुल रेडिएटर गार्ड फ्रॉम कैसिन कस्टम्स। तो इनका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख सकते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये कोयम्बटूर से आया मेरे को एंड दे शिप ऑल अक्रॉस द इंडिया। तो मेरे को पुणे में भी मिला एंड इंडिया पोस्ट से डिलीवर करते हैं ये। सो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा लगा मेरे को एंड रेडिएटर गार्ड हम बाइक पे इसलिए लगाते हैं बिकॉज आपने नोटिस किया रहेगा हमारे आगे जो रेडिएटर रहता है उसमें जो पेपर के रहते हैं वो बहुत डेलिकेट रहते हैं। सो लेट्स से आप ऑफ रोडिंग जा रहे हैं या कभी कोई पत्थर लग गया तो इट कैन डैमेज योर रेडिएटर, तो उसके लिए हम रेडिएटर गार्ड्स लगाते हैं। सो दिस विल प्रोटेक्ट योर रेडिएटर एंटायरली फ्रॉम द फ्रंट एंड साइड, जिससे कि आपका रेडिएटर का लाइफ अच्छा रहेगा, कूलिंग अच्छा करेगा। एंड लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि रेडिएटर गार्ड लगाने का क्या कूलिंग इफेक्ट करता है। सो मैंने पूरा रिसर्च किया, बहुत ना के बराबर उसका डिफरेंस होता है। इट्स नॉट गोना हैम्पर टू मच ऑफ योर कूलिंग, बट आप जैसा देख सकते हैं वेंट्स इसमें भी दिए हुए हैं जो आपको यूज़ करें, जो हेल्प करेंगे आपके कूलिंग के टाइम। सो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए
मैं अलग से टूल बॉक्स लाया हूँ, तो ये वाला स्क्रू अपन यूज़ करेंगे, चार नट्स अनस्क्रू करने हैं, सो दोस फोर विल बी 1, 2, 3, 4, ये बीच में प्लेट डालेंगे, टाइट करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। सो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टॉलेशन। सबसे पहले अपन रेडिएटर गार्ड साइड में रखते हैं एंड हमको लूजन अप करने हैं बोल्ट्स। तो बोल्ट्स लूज करने के लिए आपको बस एक ये वाला बोल्ट लूज करना है, तो मैं ऑलरेडी थोड़ा लूज कर रखा हूँ, ये वाला दूसरा बोल्ट लूज करना है, थर्ड ऊपर वाला एंड फोर्थ। सो 1, 2, 3, 4, ये चारों बोल्ट हम लूज कर देते हैं एंड पूरा मैं निकाल देता हूँ ये बोल्ट्स। ओहो मेरा बोल्ट भाग गया किधर, तो बट अपन ढूंढ लेंगे उसको, तो आप ये गलती मत कीजिएगा एंड लाइकवाइज फॉर द सेम हियर आल्सो। सो गाइज हमने नीचे के चारों स्क्रू निकाल दिए हैं एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर स्क्रूज, तो एक दो ये दो स्क्रू एंड अदर साइड पे भी आपको करना पड़ेगा। सो इसके लिए हमने टूल चेंज कर लिया अपना, सो आपके पास एक टूल बॉक्स हो तो दैट इज़ बेनिफिशियल। सो अगेन हम इसको बस लूजन अप करेंगे एंड पूरा का पूरा स्क्रू बाहर आ गया, सो इसको नीचे रख देंगे। सेम फॉर द अदर, बिलो वाला निकल गया। मेक श्योर आप इसके वॉशर्स वगैरह ना गुम करें बिकॉज दिस इज़ गोना हेल्प स्टेबलिंग दिस। तो आप देख सकते हैं अभी पूरा गार्ड बाहर आने लग गया है एंड बीच में एक टाइटन के लिए ये आप देख सकते हैं, अगर ये चीज़ भी घुमाइएगा मत, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। प्लीज़ कम ऑन दिस साइड एंड हमारा टूल बॉक्स। सो यहाँ पे भी अपन सेम चीज़ करेंगे। सो ये भी पूरा अपना निकल गया एंड लास्ट वन। सो ये भी अपना पूरा निकल गया। सो आई थिंक अभी पूरा का पूरा अपना रेडिएटर का कवर बाहर आ जाएगा। सो ये फ्रंट एंड साइड आ गया एंड हियर ऑल्सो ये पूरा साइड आ गया। सो ये हमारा रेडिएटर का फ्रंट एंड आ चुका है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको अभी वापस लगाते हुए हेल्प करेगी। सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना टेक दिस, वी आर गोना अलाइन दिस एंड उसके साथ ही काम बन जाएगा। गाइज वन मोर थिंग, आप इंस्टॉल करने के पहले ये वाला एक पांचवा स्क्रू भी अनलूज कर लीजिए बिकॉज आपको इंस्टॉलेशन में इजी होगा, जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, जिससे कि आप वन बाय वन हर एक साइड लगा सकते हैं एंड सबके स्क्रूज़ यार बहुत ध्यान से रखिएगा, तो स्क्रूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज फाइनली वी हैव इंस्टॉल्ड द कस्टम रेडिएटर गार्ड फ्रॉम कैसियन कस्टम एंड आप देख सकते हैं थोड़ा स्ट्रगल हुआ बट इट वॉज प्रीटी गुड, काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्शन कर रहा है। इसका बाइंग लिंक जैसा मैं बताया इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ओवरऑल DIY कैसा लगा आप मेरे को बताइएगा। आपको तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो ये दोनों नट्स आपको ध्यान से लगाने हैं, ये दोनों इनके वॉशर्स लगाने हैं, देन आप ये वाला डिटैच कर लीजिए जिससे कि दो चीज़ें हो जाएंगी, ये दोनों आपको फिर से ध्यान से लगाने हैं, ऊपर के दो आपको ध्यान से लगाने हैं। सेम ऑन द अदर साइड, तो आपको 2, 4, 6, 8 स्क्रूज़ का ध्यान रखना है एंड यू आर गुड टू गो। काफ़ी ईजी है, सिंपल है, एक बार करेंगे समझ आ जाएगा। सो यही था इस वीडियो के लिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो हम सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।